हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फारूक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप गुजरात यूनिवर्सिटी के डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कौन सी वेबसाइट पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और आपको वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा, तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स लेना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है @GRealSir, तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए GRealSir और आप हमें वहाँ पर फॉलो कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए और ब्राउजर में गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए CGU.GujaratUniversity और टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपको जो ये सबसे पहले जो लिंक देखने को मिल रही है तो उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए cgu.gujaratuniversity.ac.in। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हो या तो फिर गूगल में सर्च करके भी यहां पर आ सकते हो। तो कुछ इस तरह का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है रजिस्टर फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स पेज पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा जहां पर उसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप उसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप जो लास्ट में बॉक्स दिया गया आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शन, तो उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना आपका पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, तो आप अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लें यहां पर। उसके बाद आप एनरोलमेंट नंबर डाल दें जो कि आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा, और उसके बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, आप एक बार देख लीजिए और अगर सही है तो आप नीचे यस बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एग्जाम पैटर्न, तो आप वहाँ पर सेमिस्टर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दिया गया है आपको आपकी मार्कशीट की इश्यू डेट, तो आपको वो अपनी मार्कशीट में मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है, तो हम चलो फटाफट हम ये पूरी डिटेल्स को भर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम री एंटर कर दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आप मोबाइल नंबर वही टाइप कीजिए जो अभी आपके पास हो, ताकि यूनिवर्सिटी आपको वो मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगी और वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो आप अपना बिल्कुल सही सही मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर दे। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दे। उसके बाद अगर आप अपना आधार नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, या तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पर इमेज में जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर वो टाइप करना है, और आप अपना एक कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पर चुन लीजिए और उसे री एंटर कर दीजिए। अब जो ये फील्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है। आप वही एड्रेस दे जहाँ पर आप अभी रहते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको वही एड्रेस पर गुजरात यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट भेजेगी। तो आप वही सही सही एड्रेस आप अपना टाइप कर दीजिए पूरा, और उसके बाद यहाँ पर आप टिक मार्क कर दीजिए। टिक मार्क करने के बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो आपने जो मोबाइल नंबर टाइप किया था उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP मिला होगा, तो आप उस OTP को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड कर दे। अपलोड कर देने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी लास्ट मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दे। अपलोड कर देने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, तो चलिए हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शन, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फीस की कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आपका नंबर है और नाम भी देखने को मिलेगा। तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए उसे, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ₹260 का पेमेंट करना है। आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, या तो फिर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो आप जैसे भी आप जो भी फैसिलिटी है आपके पास वो यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी पूरी डिटेल्स डाल के इसे पेमेंट कर देते हैं।
पेमेंट कर देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कंफर्मेशन मिल चुका है कि उन्हें आपकी पेमेंट मिल गई है। तो अब आप यहाँ पर प्रोसेस टू सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पेज देखने को मिलेगा। तो आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है और जो पासवर्ड आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और यहाँ पर जो इमेज में जो नंबर दिख रहा है उस इमेज के नंबर को यहाँ पर बॉक्स में टाइप कर दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये जो पूरी रिसिप्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। आप इसके प्रिंट निकाल सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं। एक बात याद रहे, आपको ये कहीं पर भी देना नहीं है, आपके पास ये सिर्फ एक प्रूफ के लिए रहेगा कि आपने यूनिवर्सिटी में पेमेंट किया है डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रियल सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलता हूँ अगली एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।